अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। वहाँ सूखा पड़ रहा है, मवेशी मर रहे हैं। ऐसे जो स्थान हैं वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए। वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूँ तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है वे भी शिकायत करते हैं कि जब वोट का समय आता है तब तो आप कहती हैं कि लगान माफ़ होगा, गल्ला सस्ता होगा, गाय भैंस के लिए घास का प्रबंध होगा, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। अंग्रेजों से जब हमने राज्य प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ होगा, नहरें खोदी जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लगान भी दुगना बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। हमारे मंत्री महोदय जब जिले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं, देहातों में जाएं तो उनको असली हालत का पता चले, लेकिन वे तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लू ना लग जाए। इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि उनको गांवों में जाना चाहिए, वहां जाकर उनकी किसानों की कठिनाई को समझना चाहिए, उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए। किसान इस समय बड़े भयभीत हैं, उनकी तरफ बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है, तकाबी का, बीज का, लगान का, बैल का इत्यादि। कलेक्टर या तहसीलदार उनको आज बहुत परेशान कर रहे हैं, उसके बैल नीलाम किए जा रहे हैं, जमीन नीलाम की जा रही है, उसको कचहरी में ले जाते हैं, और पटवारी तहसीलदार किसान को जिस तरह से परेशान करते हैं उसका लेखा मैं नहीं दे सकती हूँ, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आज भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। जब तक 500 रुपया या 300 रुपया या 200 रुपया लेखपाल को या पटवारी को ना मिले तब तक खाते में से नंबर वे लोग नहीं निकालते हैं, कचहरी में उन्हें परेशान किया जाता है और वे सब जगह परेशान होते हैं। जब वे इन सब के प्रति विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। चेयरमैन साहब, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हाउस के मेंबरों को बोलने में बहुत तकलीफ होती है। कई माननीय सदस्य चार दफा बोल चुके हैं। अगर अब किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो हमदर्दी होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूं कि मैं किसान की लड़की हूं और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं, इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए, कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में इस साल पानी बहुत कम बरसा है, वर्षा बहुत कम हुई है, वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस साल का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए, उनसे इस साल लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूं ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, इस वास्ते उनका इस साल का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप गेहूं के दाम निर्धारित कर दें। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उनको जब वह बाजार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम दाम में खरीद लेते हैं और खरीद कर अपने घर भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों में से निकालते ही नहीं हैं। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं, किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। इस वास्ते हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि
फसल आने के पहले दाम निर्धारित कर दें। फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में ना बिकने पाए। अन्न की समस्या आज बहुत विकट है। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। जब कामराज साहब वहां गए थे तो मैं वहां गई थी। उनके साथ किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है, विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में।